हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, आज है संडे और दोपहर का टाइम हो रहा है, बहुत धूप बहुत तेज है, तो बस काम वाम हो रहा है। और ये देखिए, आज संडे है तो ये बोले कि आज मैं दोनों को नहवाऊंगा, तो आज ये दोनों को नहवा रहे हैं, दोनों बच्चों को। दिखाते हैं आपको कैसे इन लोगों का नहाना धोना चल रहा है। बेटू, आज पापा से नहा रहे हो? क्यों बेटा, कैसा लग रहा है नहाने में? इधर देखिए, आज परी आज इनका जो है पापा से नहाने का मन था। हमेशा हम नहवाते हैं, आज ये नहवा रहे हैं, इसलिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है नहवा रहे हैं? मजा आ रहा है ना? दोनों को ऐसे ही हम नहवाते हैं, एक को नहवाओ, एक दूसरा चढ़ा रहता है। अब इसको वाकर में रख दिए हैं तो ये थोड़ा शांत है, नहीं तो अगर ये वाकर में नहीं रहती ना तो बाप पीछे पीठ पे चढ़ जाती है और चढ़ के बस पीठ पे धप 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 मारती रहेगी। ये लीजिए टॉवल, नहा लिया? उसके लिए हम वो ला रहे हैं, तेल ला रहे हैं, थोड़ा सा उसके बॉडी में तेल लगा दीजिएगा, तो थोड़ा सा तेल दे देते हैं क्योंकि ठंड का टाइम है तो फायदा करेगा। ये देखिए गाइस, छोटा सा एक टिफिन रखे हैं हम, जिसमें बच्चों के लिए हम सरसों का तेल है, जिसमें हम अजवाइन, लहसुन और जायफल पका के रखते हैं क्योंकि ठंड के टाइम में इससे मालिश करने से बच्चों पर ठंड का असर नहीं होता है, सर्दी जुकाम नहीं होता है, तो इस वजह से। और अब ये नहा लिए हैं, इनका तेल मालिश होगा, उसके बाद से टावल, इसको एक और टावल लाते हैं, ठीक है, वो लपेट दीजिएगा। तो बस इनका नहाना धोना चल रहा है, ये लीजिए एक टावल लपेट दीजिएगा, मेरे बेटू को बहुत शर्म आता है। बाल अच्छे से पोंछ दीजिए क्योंकि ठंड लगेगा। ये देखिए, इनका तेल मालिश हो रहा है, बाबू कह रहा है कि रूम में ले चल के लगाइए, यहाँ धूप तेज हो रहा है ना बेटा, धूप तेज हो रहा है ना, कोई बात नहीं, इसलिए तो आपको बालकनी में नहाया कि ठंडा नहीं लगेगा, बाथरूम में नहाएगा ठंडा लगेगा बहुत। और यहाँ हाँ ठंडा कहाँ लग रहा है बेटा, इतना तेज धूप निकला है और आपको ठंडा लग रहा है। मेरी परी रानी का अब नंबर आने वाला है, देखिए पूरा बाल वाल खोल के रेडी है और पापा को देख रही है कि मुझे कौन नहवाएगा, परी को कौन नहवाएगा जी, देख रही है आपको। टब में डाल देते हैं, टब में टब में, इतना उतना ज्यादा गर्म पानी थोड़ी ही है और टब का पानी बहुत ठंडा है, नुकसान करेगा। परी तू टब में डाल देना, परी टब में उसमें मछली की जैसे नहाती रही, मछली की तरह पानी गर्म किए है परी के लिए। तो ये देखिए बेटू, इनके पापा नहवा के तैयार कर दिए हैं, ये ब्लू जींस और पिंक टी शर्ट पहन के ये हो गए हैं रेडी। और अच्छा लग रहा है ना नहा के? और देखिए बेटा, ये नीचे भगवान जी वाला माला है आपका, पैर लग रहा है, लीजिए इसको पहनिए, अंदर कर लीजिए, टी शर्ट के अंदर करिए, ठीक है। थोड़ा सा हम दे रहे हैं आपको हॉर्लिक्स बना के, हॉर्लिक्स पी लीजिए, उसके बाद जाइए अपनी फ्रेंड के साथ खेलने, ठीक है, ठीक है ना? नहीं क्या? नहीं, वो ये अंगूर का। अंगूर कौन सा, काला वाला कि ग्रीन वाला? नहीं, ग्रीन वाला। ठीक, ये है आपका अंगूर, खाइए और खा करके खुश हो जाइए, ठीक है। मोटे होते जाओगे, वेरी गुड। आ चलो परी नहाने चलो, परी नहीं बेटा, आ जाओ नहाने आ जाओ। ये देखिए, यहाँ कपड़ा धुलाई का भी काम चल रहा है, अभी मशीन लगा दिए हैं ताकि यहाँ धुलाई चलता रहेगा। इधर बेटू को भी हम दे दिए हैं खाने के लिए, परी को नहवाएंगे और उसके बाद से हम इधर खाना भी बना रहे हैं। मेरा सब काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो सब धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये हमने आज क्या बनाया है, ये बनाया है मैंने आज पालक दाल, ये थोड़ा सा मैंने चना का दाल भिगोया था, वो छोटे छोटे फुलौड़ी कचरी बनाने के लिए,
तो बस। और मैंने तो मिर्ची फ्राई किया है खाने के लिए, ये अंगूर मैंने अभी धो के दिया है बेटू को। बाकी यहाँ ब्लैक वाला भी अंगूर है लेकिन मेरे बेटू को पसंद नहीं है तो नहीं खाए हैं। यहाँ देखिए उनके पापा ये अमरूद काट के क्यों छोड़े हैं जी, अमरूद भी छोड़े हैं, एप्पल भी छूटा हुआ है, काट काट के रखे हुए हैं, पूरा खा जाते। तो ये सब है, यहाँ हमने चावल चढ़ा दिया है बस। अब बेटी को नहवाएंगे और कपड़ा धुलाई का काम चलेगा। और आप भी नहाने जा रहे हैं ना? हाँ चलिए, पहले परी को पकड़ लीजिए क्योंकि वो अकेले नहीं नहा पाती, उसको पकड़ आप पकड़िएगा तब हम नहा पाएंगे। गर्म पानी हम ले आए हुए हैं, आइए। हमारी परी रानी हमारी नहा दी, आज इनके पापा नहाए हैं और इनका बाल अब सूख रहा है। सूख रहा है ना, कैसी लग रही, पूरा गाल वाल इसका मुंह हो गया है, इतना ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसके बाद भी पता नहीं कैसे ऐसे हो गया है। मच्छर भी बहुत सारा काट लिया गया, ये देखिए कैसे इसको मच्छर काट लिया है। ये सब मेरी गलती है, आज से हम इसके लिए एकदम सचेत रहेंगे। ऑल आउट लगाना हम भूल गए थे और वो मच्छर वाला अगरबत्ती जलाना भी भूल गए थे, अभी हम लगा दिए हैं ऑल आउट, लगाए तो थे। वो देखिए गाइस, वो देखिए, कहिए आप भी बोलते हैं कि हमको कि नहीं लगाइए। देखिए लगाए थे, नोच के फेंक दिए, निकाल के फेंक दिए वहां से, बोर्ड से निकाल दे दिए। हाँ ये कंबल उम्बल सब फेंक फाक के उठ के भाग आई है ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की है दीवानी, है दीवानी। चलो तो देखिए ये है हमारे बेटू का खाना, चिप्स और दाल चावल, पालक वाला दाल है। सब्जी बहुत कम खाता है तो इसके लिए हम खाना ले आए हैं। परी मेरी सो गई, अब बेटू को हम थोड़ा खाना खिला लें, फिर बेटू मेरा थोड़ा देर खेलने के लिए जाएगा, उसके बाद तब जाके मैं हम लोगों का खाना वाना होगा, थोड़ा किचन का काम करेंगे क्योंकि किचन साफ वफ करेंगे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाएंगे क्योंकि रील्स मेरा बना नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय।